दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हाई कोर्ट का एक लेटेस्टिंग जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट कर्नाटक का अभी हाल ही में एक लेटेस्टिंग जजमेंट आया, वो भी बड़ा हैरान करने वाला आया। जी हाँ, ये पूरा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। एक शादीशुदा महिला किसी बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, मतलब पति की होते हुए वो एक बॉयफ्रेंड रखती है साइड में, उसके साथ 3 साल रिलेशनशिप में भी रहती है, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बनते हैं, इस बात को लेके कि साहब मैं तुमसे शादी करूँगा। अब ये पत्नी की तरफ से है कि साहब भी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। पत्नी ये भूल गई कि वो ऑलरेडी से शादीशुदा है। बड़ी हैरानी की बात है। देखो भाई, पत्नी के साथ एक बंदे ने 3 साल तक रिलेशनशिप बनाया यह कहकर कि साहब मैं तुमसे शादी करूँगा। पत्नी ने उसके साथ संबंध बनाए, बीच में उनके मतलब डिले वो कहते हैं प्रेग्नेंट भी हो गए, तो उनका बच्चों का अबॉर्शन भी कराया गया। उसके बाद 3 साल बाद उनका जो बॉयफ्रेंड था वो छोड़ के चला गया। 3 साल के बाद वो पुलिस FIR करती है कि भाई शादी का जाकर देकर मेरे साथ संबंध बनाया। पुलिस ने FIR दर्ज भी कर ली। पति पहुँचा वकील साहब के पास, वकील साहब ने सीधा हाईकोर्ट में पहुँच गया क्यूसिंग के लिए, मामला क्यूस भी हो गया। हाईकोर्ट ने कहा, पत्नी से पूछा कि साहब आपको ये पता है कि आप शादीशुदा हो? बोली कि हाँ। तो फिर आपके साथ शादी का झांका देकर रिश्ता कैसे बना लेगा? आपका पहले ऑलरेडी आपके साथ पति है, तो आप ये कैसे कर सकते हो कि आपके साथ? बोला कि साहब मुझे संबंध बनाने से पहले यही बोला था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो बोला हाईकोर्ट ने बोला कि भाई तुम्हारी तो ऑलरेडी पति है ना भाई, पति से आप डाइवोर्स थोड़ी लिए अभी तक। तो भाई साहब उसको पूरी तरह से FIR को खारिज कर दिया गया। कुल मिलाकर आपको ये समझना चाहिए कि महिला आज की डेट पर ये सोचती कि साहब कानून तो मेरा ही है। कई महिलाएं होती हैं जो ये सोचती है कि जो मैं बोलूँगी वो सब कुछ माना जाएगा। अब इस जजमेंट को मैं पेड़ के बैठ के हंसने वाली भी बात है, कभी समझने वाली ये भी बात है कि इस महिला को ये दिमाग नहीं था कि भाई वह ये सब जो शादी के आफ्टर कोई के साथ रिलेशनशिप बनाती तो खुद के पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने हो गए। ये तो ये एडल्ट्री में जाता है, शादी का रेप का ये झांका फांका में नहीं जाता है। और मैं कहीं पर वीडियो बनाया हूँ इस बात को लेके कि अगर शादीशुदा कोई महिला बॉयफ्रेंड पटाती है और वो उसके साथ चीट करके चले जाता है तो उसका आप कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। ये वीडियो मैं बार बार बनाता हूँ, कई बार महिलाओं को सचेत करता रहता हूँ मैं बार बार महिलाओं को। और महिलाएँ ये सोचकर कि साहब हमारे पक्ष में तो कानून है, हमारे पक्ष में तो कानून है, हम जो कहेंगे वो मान लेंगे, इस गलत फहमी में भाई साहब रेप के सोचिए आप। अब पति के पास इसका ग्राउंड भी मिल गया अच्छा सा कि साहब पत्नी उसके साथ किसी के साथ लिव इन में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, बच्चे तक अबॉर्शन हो रहे हैं वहाँ। तो भैया अच्छा, तो पति ने ग्राउंड बना लिया उसके बेस पे और फोकट में डाइवोर्स भी ले लिया पति। अब आप सोचिए पति को डाइवोर्स मिल गया, पत्नी की कहते नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि बॉयफ्रेंड भी पटा लिया तो बॉयफ्रेंड भी छोड़ के चला गया, ना कोई रेप का केस बना, ना कोई मेंटेनेंस बना, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब पूरी बर्बादी खुद महिला ने कर ली। तो कुल मिलाकर एक इस जजमेंट से एक बात समझ में आई है मुझे, वह जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, शादीशुदा होते हुए अगर आप किसी के साथ एडल्ट्री कर रहे हो और उसको फिर आप खुद चीट करते हुए कह रहे हो कि साहब मेरे साथ वो चीट करके चला गया, चोर चोरी का माल लाकर ये कहता है कि साहब मेरा चोरी का माल कुछ ने और ने चुरा ले गया, भाई तू खुद ही चोर के लेके आया उसको, तो आप खुद ही गलती कर रहे हो उस चीज़ को लेके। तो आप सोचिए, बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ पे सोचने की बात है कि भाई एक शादीशुदा महिला को ये कॉन्फिडेंस कितना आ गया कि साहब मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड है ना शादी का वादा करके फिजिकल संबंध बना लिया, रेप कर गया मेरे साथ। हाईकोर्ट ने बोला कि हे दीदी, तुमको 3 साल तक कोई संबंध बना रहा है, आपके साथ डिलीवरी मतलब प्रेग्नेंट हो रही तो बच्चों का अबॉर्शन भी आप करा रहे हो, तब तक आपकी बुद्धि भ्रष्ट थी क्या बिल्कुल ही? और आपको ये कैसे समझ आ गया कि शादी के बाद अपनी स्वेच्छा अनुसार, मतलब कोर्ट ने इस चीज़ को ये माना कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंसल्ट थी, 3 साल तक कोई महिला बेवकूफ़ नहीं बन सकती, पहली बात महिला को ये पता होना चाहिए कि वह शादीशुदा है और शादी के बाद जो भी अफेयर होते हैं वह एडल्ट्री कैटेगरी माने जाते हैं, तो इस चीज़ पर कोई रेप का केस नहीं बनेगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि वह अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी के साथ रिलेशनशिप बनाई है। ठीक है, इसमें कोई रेप वेप नहीं है, अब वो उसकी मर्जी है कि उसका साथ निभाए या उसको छोड़ के चले जाए। तो इस वजह से महिला को सोच समझ के आगे कदम उठाना चाहिए, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। इस वजह तो फॉर एग्जांपल में मैं इसी वजह ये वीडियो बनाया था कि कई महिलाएं मेरे पास ऐसी भी आती है जो कि सवाल पूछती है कि साहब मेरा बॉयफ्रेंड चीटिंग कर गया लेकिन मेरे पति से भी मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ अभी तक। तो भैया आप जैसी करनी वैसी भरना है, और इसकी वजह से कई महिलाओं को बिना वजह से सजा मिल जाती है, क्योंकि ऐसे झूठे फर्जी केस बहुत चले जाते हैं।
तो आइए अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।